Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face. And today we have very beautiful, gorgeous, top real star, Sana Khan with us at Celebrity Face Villa, Delhi. Sana, ये बताइए, first time आप Celebrity Face Villa Delhi में आई हैं, कैसा experience था, कैसा लगा अपने fans से मिलके live? आने से पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं 2 साल के बाद फिर से इवेंट करना चालू की हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मतलब हो रहा था कि यार पता नहीं कैसा होगा, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो. मगर यहाँ अगर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम मतलब इतनी सारी चीज़ें मतलब मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और स्पेशल कि जितने भी लोगों से मिल रही हूँ वो सारे मुझे बहुत अपने वाले फीलिंग दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलकर. कैसा लगा रील्स आप अकेले बना के डालती हैं और आज अपने फैंस के साथ वही रील्स बना रही हैं, तो उसका एक फीलिंग कैसा था, अपने फैंस से 2 साल बाद मिल रही हैं, तो उसकी फीलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अलग था, बहुत अच्छा लगा कि जो लोग मुझसे मिलना चाहते थे और लोग मुझसे इतना प्यार करते कि इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे मेरे लिए, कोई जयपुर से आए थे, कोई लखनऊ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे. मुझे ये मतलब जानकर बहुत खुशी हुई कि यार हम इतना मतलब आगे आ चुके हैं कि लोग इतने दूर हमारे लिए आ रहे हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, तो बस थैंक यू सो मच इतना प्यार. आप ये बताइए सना, जब टिकटॉक बंद हो गया था, बिकॉज आप टिकटॉक से पॉपुलर हुई हैं, टिकटॉक में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जब टिकटॉक बंद हुआ तब आपने क्या सोचा कि अब क्या करूंगी मैं, मेरा तो पूरा बेस टिकटॉक से स्टार्ट हो, टिकटॉक से लोग जाने वही बंद हो गया, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे मैं अपनी रील्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, आई मीन टिकटॉक वीडियोस, क्या सोचा था जब बंद हुआ, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? मेरा ऐसा था, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा ऐसा था कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, बंद हो गया, आ जाएगा कुछ टाइम में. बट टिकटॉक बंद होने के बाद हमें मतलब ज़्यादा और अच्छा मतलब चीज़ें मिली हर चीज़ में, मतलब नया ऐप आया, इंस्टाग्राम आया, मतलब लोगों ने और मेहनत करना चालू कर दिया. टिकटॉक में क्या था कि जैसा भी था लोग कुछ भी कर लेते थे, बट अभी का प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि लोग चाहकर भी नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तो ठीक है, अच्छा है, खुशी है. ये बताइए, जैसे कि आपने बताया अभी कि स्टार्टिंग में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया था आपको इन इस प्लेटफॉर्म के लिए, वीडियोस वगैरह के लिए, तो आप उन सारी लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे जो जिनके माँ बाप नहीं सपोर्ट करते उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, वो कैसे आपको किसी तरह एक लेवल पे पहुंच गई हैं, ऐसी बहुत लड़कियां जो आगे आपकी तरह बनना चाहती हैं, पहुंचना चाहती हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगी, उनके पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी, क्यों क्या करें आगे बढ़ने के लिए? मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मैंने तो देखो भाई, मैंने तो बहुत मार खाई है, मैंने तो बहुत सारी चीजें की है, अगर आपको कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बार बार खा लो, उसके बाद चलेगा. बस इतना अच्छा बन के रहना, अपनी इमेज फैमिली के सामने बना के रहना ताकि आपकी फैमिली भी आपको बाद में एक्सेप्ट कर ले, तो आप वो चीज़ करके फेमस हो, अपनी मेहनत से फेमस हो, अपने टैलेंट दिखाकर, तो आपके फैमिली आपको जरूर सपोर्ट करेंगे. आपके कोई 2 या 3 फेवरेट क्रिएटर जिनको आप बहुत मानती हैं कि हाँ ये लोगों को देख के मैं आगे बढ़ी हूँ, बहुत अच्छे हैं इनके कंटेंट, इनका वीडियोस, कोई है ऐसा? ऐसा तो कोई है नहीं, या टिकटॉक में कोई रहा हो या रील्स में अभी हो, ऐसा कोई नहीं था मुझे. मतलब कुछ लोग हैं जिनको मैं स्क्रॉल करते रहती हूँ तो आते हैं, मुझे जिनकी वीडियो अच्छी लगती है देख के, तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, तो बस ऐसा ही है, मगर ऐसा कोई था नहीं मतलब फेवरेट. और कौन कौन लड़कियाँ या क्रिएटर आपसे जेलस होती है ज़्यादा, कोई एनी नेम जो आपसे जलती है या ये तो बहुत आगे बढ़ रही है करीना जैसी दिखने वाली एकदम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है, नहीं, चलो मत, आगे बढ़ो. और आगे के और आगे क्या करना चाहेंगे, क्या प्लान है? करना चाहूंगी तो डायरेक्ट मूवी करूंगी, वरना कुछ भी नहीं करूंगी, वरना वापस अपने घर चल जाऊंगी कलकत्ता, मगर वापस जाना नहीं है, मूवी तो करके रहूंगी मैं. तो वो आपका एक ड्रीम है जो मुझे करिए रहना, अभी करना बाकी है. बिल्कुल ग्रेट. और जो फैंस, आई थिंक दिल्ली में इवेंट था, बहुत सारे फैंस आए पूरे इंडिया से, जो फैंस नहीं आ पाए उनके लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट भी हम प्लान करें बहुत जल्दी सिटी में. मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया जो भी नहीं आए, बट मैं इंशाल्लाह प्लान करती हूँ जल्दी से आपके शहर आऊंगी जहाँ पे भी आप हो, और आप सबसे मिलूंगी, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, लव यू, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे. थैंक यू सो मच सना फॉर योर टाइम विद सेलिब्रिटी फेस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया अपने फैंस के साथ, यूं ही हम मिलते रहेंगे. बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड गाइस, इफ यू वांट टू मीट सना खान
You just DM your details on the below WhatsApp numbers and my team will get in touch with you. So Sana, मैं बताना चाहूँगा आपके एक बहुत बड़े फैन हैं, पलविंदर हैं, पंजाब से हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं. तो मैं आपको डायरेक्टली इंटरव्यू आपका लेंगे, मैं उनको बुलाता हूँ और आप उनसे डायरेक्टली इंटरव्यू आपका लेंगे और उनसे आप मिलिए और देखिए क्या क्या सवाल आपसे पूछते हैं. सो गाइस आप ही देखिए पलविंदर क्या पूछने वाले हैं सना मैम से. जी हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पलविंदर सिंह और मैं आई एम सेलिब्रिटी फेस सीजन 5 के फाइनलिस्ट से और आज हम सेलिब्रिटी फेस के विला में है और मेरे बगल में एक बहुत ही खूबसूरत जिनके बारे में तारीफ के पुल बांध सकते हैं हम, जिनका नाम है सना खान मैम. थैंक यू सो मच. हाय गाइस. मैम नाइस टू मीट यू. मैम मैम मैं आपसे पहला क्वेश्चन से पूछना चाहूँगा कि मैम अब आप एक पूरी स्टार बन चुकी हैं. तो तब हमें आपको लगा था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कहीं पहुंच पाऊंगी, ऐसा कभी आपको सुबह तक ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कभी. बट मेरा एक सपना था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी. पहले मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं बॉम्बे भागकर जाऊँगी, मुझे एक्ट्रेस बनना है. बट पता नहीं था कि मैं टिकटॉक की वजह से इतने आगे मतलब बढ़ जाऊँगी और इतने लोग मुझे पसंद करना करेंगे और मुझे इतना प्यार देंगे. बस कभी सोचा नहीं था पर हो गया. तो मैम जी जैसे आप भी जानती हो कि जब रील्स से बनाते तो दिन में कम से कम 4 रील्स बनाने पड़ते हैं, 4-5 रील्स पोस्ट करोगे इसी हिसाब से आप ये पॉपुलर होगी तभी आपकी रील्स चलेंगे. तो मैम कंटेंट बनाना एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैम आप इसमें कितना टाइम आप देते हो खुद? मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि मेरे पहले ऐसा था कि टिकटॉक था तो टिकटॉक पे ही लगी रहती थी, बट अभी ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारा काम होता है जैसे म्यूज़िक वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वो टाइम अपना रील्स में ही निकालती हूँ, अपनी एडिटिंग में ही निकालती हूँ. तो मैम आप भी जानते हो कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंस्पायरिंग पर्सन रहता है जिसको देख के आप इंस्पायर होते हो. हाँ. जैसे मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ और मैं इंस्पायर हूँ स्टीफन करी को. तो मैम आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई था जिनको देख के इंस्पायर हुए जिसके आप समझे कि हाँ मॉडलिंग में जा सकती हूं? मैं करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन हूं. ओके मैम. और मैं उनको देखकर ही बहुत इंस्पायर होती हूं. ओके मैम. तो मैम जब आप वीडियोस बनाते थे पहले स्टार्टिंग में, जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते थे तो मैम बहुत लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, तो मैम आपको ऐसे मिले कि डिमोटिवेट करने वाले ही खाली आपको मोटिवेट करते थे? बहुत है बट मैं इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उन लोगों के बात सुनूंगी तो मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और उनको इग्नोर करूंगी तो ही जाके मैं आगे बढ़ूंगी, और जो वो आज मेरे को वो चीज़ बोल रहे हैं वो शायद वो चीज़ कल बदल जाएगा. यस मैम. मैम आप मूवी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, आपको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग आपकी बहुत है, तो मैम जब आपके पेरेंट्स को ये पता चली या आपकी मम्मी को पता चली कि हाँ भाई मेरी बेटी सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो उनकी जो फेस में एक्सप्रेशन था उसके बारे में बताइए. मैं मेरे मतलब स्टोरी बहुत लंबी है. जब मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी तो मेरे घर पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बिकॉज आपको पता ही होगा कि मुस्लिम फैमिलीज में कैसे है कि आप वीडियोस नहीं बना सकते ये सारी चीज़. तो मेरे घर वाले ने मेरे मोबाइल मतलब सारी चीज़ें तोड़ दिया, मेरी आईडी डिलीट करनी पड़ गई उसकी वजह से. मैं घर पर बहुत मार खाई और इवन मेरे हेयर बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया था ताकि मैं वीडियो ना बनाऊँ. तो फिर भी मैं छुप छुप के वीडियो बनाती थी, मैं बोली कोई नहीं फिर भी बनाऊँगी मैं. तो एक दिन मैं मार्केट गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे बहुत मतलब क्राउड हो गया था और सब लोग मतलब सना मैम करने लगे, तो मेरी फैमिली को मतलब बहुत प्राउड फील हुआ कि इतनी इज्जत. तो तब से उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज तक मुझे सपोर्ट करते हो. उन्हें तो उस टाइम ऐसा लगा कि पहले मैंने गलती कर दी. बिल्कुल. गलती करके इंसान सुधरता है ना. यस मैम. तो बस मैं भी कुछ गलती की होंगी तभी तो आप सुधर गई थोड़ी. आपकी जर्नी बहुत मजेदार रही है. बहुत मजेदार रही है, मतलब सारी चीजें है, लड़ाई गुस्सा प्यार हर चीज है. ओके सना मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच मैम. सेम यार. थैंक यू.